पुंडरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सतबीर भाना ने 36 बिरादरियों के समर्थन का दावा किया है। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए सतबीर भाना ने मुख्यमंत्री के गोद लिए गांव का उदाहरण दिया। सतबीर भाना शनिवार को कैथल में कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के साथ संयुक्त कार्यकर्ता मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। आइए सुनते हैं। आज इस काम के छोटे भाई को पुंडरी हलके में मिल रहे हैं। मैंने पूरे 5 साल मेरे भाइयों के सुख दुख में गुजारे, मेरे भाइयों के बीच में रहे हूँ, पूरे हलके के बीच में रहे हूँ। इसलिए आज सब इस बिरादरी के साथी, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, वो सारे के सारे सतबीर भाना को अपना MLA नहीं, अपना साथी और अपना सेवक देखना चाहते हैं। विकास तो दूर की बात, सड़कें बनी थी, सड़कें पर टाँकी नहीं लगी, बिल्डिंग बनी थी, बिल्डिंग पर पेंट नहीं हुआ। जो पहले बिल्डिंग थी जिसमें वो हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर नहीं, शिक्षा चिकित्सा सारे फेल। आपने भी पता है कि जो पौधे हैं, पौधे में पानी देने का भी काम नहीं किया, पौधे भी सूखे, और इससे तो बड़ा क्या हो सकता है। मेरी उम्मीद 100 की 100 है, क्योंकि जो मुझे जनसमर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है पूरे हलके में, 36 बिरादरी में, ये नहीं है कि वहाँ जात पात की बात है। जात पात की बात वहाँ के जो है जनता, वो जात पात की बात नहीं करती। जात पात की बात तो सिर्फ वहाँ के नेता करते हैं, और उसका फायदा उठा करके वो वोट मांगते थे। विकास पर उन्होंने कभी वोट नहीं मांगी। अब की बार पहली बार ये ऐसा चांस है कि किसी पार्टी ने गरीब भाई को टिकट दी हो, और उसी यही कारण है कि जो 36 बिरादरी का सुख और दुख का साथी है, और यही कारण है, जीत का कारण यही बनेगा, सबका प्रेम और प्यार। विकास अभी तक पुंडरी में हुआ ही नहीं, नाम का विकास है, पाई गांव गोद लिया हुआ, और आपने पता है अगर वहाँ बारिश हो जाती है तो चला भी नहीं जाता। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अपनी वर्दी को धसा लेते हैं, और फिर दोबारा वहाँ स्कूल के लिए घर में वर्दी बदलने आते हैं, और स्कूल में भी जा नहीं सकते। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और इसी प्रकार पूरे हलके में निकासी की समस्या है। निकासी सबसे बड़ी समस्या है, उसमें लगता भी कुछ नहीं। बिल्डिंग पर ये कह रहे हैं कि हमने 10 लाख की बना दी, 20 लाख की बना दी, करोड़ों की ग्रांट गणाते हैं, लेकिन निकासी की तरफ, निकासी आज अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, तालाब लबालब भर जाते हैं, गलियाँ लबालब भर जाती है, और मच्छर पैदा होते हैं, जिससे बीमारी पैदा होती है, और पूरे गाँव की शोभा खत्म हो रही है, बिल्डिंग खत्म हो रही है, दरारें पड़ रही है। और इसी प्रकार से नाम है, आप जाओगे, चाहे पाई हो, भाणा हो, घोड़ा हो, रमाणा हो, बाकड़ हो, चाहे ढीग हो, आप कोई से गांव में जाओ, चाहे कोई से भी गांव, मेरे 54 गांव पूरा का पूरा निकासी की समस्या से जूझ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। पंडोरी विधानसभा क्षेत्र के संभावित नतीजों के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।